वेखो जी, मैनू ये महसूस हो रहा कि हर घर हर परिवार का मैंबर ही मेरी अपनी इलैक्शन समझ के लड़ रहा वार्ड नंबर 6 तो। जिहड़े कोई आसे पासे तो भी सज्जन मित्र ने, वह भी मेरे बिना कहन तो ही मेरे इत्थे आया, इस तरह इलैक्शन लड़ रहे भी जिदा वह खुद अपने आप को परमजीत सिंह समझ रहे हैं जी। और मैनू अपनी कांग्रेस लीडरशिप लाली वीर जी, जग्गा वीर शिंद मजीठिया जी, प्रदीप भुल्लर जी, सारी समुची कांग्रेस लीडरशिप वालों भी बहुत रिस्पोंस मिल रहा। वार्ड नंबर 6 दे 2 साल के छोटे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक हर एक वोटर सपोर्टर अपनी इलैक्शन समझ के लड़ रहा। मैं इन्हों का देन सारी उम्र दे नहीं सकूँगा और मेरी वध चढ़ के कोशिश होगी कि वार्ड नंबर 6 नूं इदां दा कर दिता जाए कि मैं दोबारा वोट मंगन घर घर ना आ जावां। असीं विकास का एजेंडा लैके इलैक्शन लड़ रहे हैं। जिहड़ी साथी विरोधी पार्टी आ उह विच अड़िके डाउण की कोशिश कर रही आ। इहदा कारण यह है कि इन्हां नूं नगर निगम दीआं चोणां करके नहीं, बिक्रम सिंह नूं डर है कि 22 दे विच वी इही कुछ ना होए, सो इस करके वह इन्हां नूं प्री फाइनल दे तौर ते लड़ रहा और ये सामने उन्हूं नज़र आ गया कि इत्थे की होण जा रहा 22 दे विच। पर साडे बंदे असीं हर एक नूं ये गल समझाई है कि किसी ने लड़ना नहीं, क्योंकि ऐतकी लोग मूँह ते जवाब दे रहे ने बिक्रम सिंह नूं कि तुसीं इत्थे ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ।